our biology lecture, we will learn about chapter number 6, that is about the kingdom Prokaryote. This kingdom formerly known as kingdom Monera. Chapter number 6 में हम prokaryotic organisms के बारे में पढ़ते हैं. इस kingdom का पुराना नाम kingdom Monera भी था. पिछले lectures में बेटा हम topic जो start किया हुआ है, हम पढ़ रहे हैं about the structures of bacteria. बैक्टीरिया के सेल के अंदर यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं. उनमें हमने पढ़ा था कि कुछ स्ट्रक्चर्स लाजमी तमाम बैक्टीरिया के अंदर होती हैं, वो कंपलसरी स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी हैं. वो कंपलसरी स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स है और जेनेटिक मटीरियल है. इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं तमाम बैक्टीरिया के अंदर नहीं मौजूद होती, और कुछ के अंदर होती हैं कुछ के अंदर नहीं होती. इनमें से एक स्ट्रक्चर जो है वो सेल वॉल है. सेल वॉल जो है ये ज़्यादातर बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है. मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैव सेल वॉल. इट इज़ ओनली एब्सेंट इन अ क्लास दैट इज़ नोन एज माइकोप्लाज्मा. सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं. सेल वॉल क्या है जी? दिस इज़ अ रिजिड लेयर प्रेजेंट इनर टू द कैप्सूल एंड आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन. कल हमने स्लाइड में देखा था कि अगर बैक्टीरिया के गिर्द स्लाइम और कैप्सूल हों तो वो सबसे आउटर होते हैं. तो अगर स्लाइम और कैप्सूल के बाद अगर हम बात करें तो अंदर की जानब सेल सेल वॉल मौजूद होती है और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है. तो दिस इज़ प्रेजेंट बिटवीन द कैप्सूल एंड सेल मेम्ब्रेन. ठीक है जी, दिस इज़ प्रेजेंट बिटवीन द स्लाइम कैप्सूल एंड सेल मेम्ब्रेन. दिस इज़ अ रिजिड लेयर. इट इज़ ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया एक्सेप्ट फ्यू सच एज माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा इज द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच डू नॉट हैव सेल वॉल. दिस इज़ द एमसीक्यू या कुछ एमसीक्यू आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया दैट डू नॉट हैव सेल वॉल. किन के अंदर सेल वॉल नहीं होती? तो माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती. इट इज़ एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा. अच्छा जी, अब बात करेंगे. दिस इज़ मेड अप ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल एंड दिस इज़ नोन एज द सेक्युलस. सेक्युलस की हमने चैप्टर नंबर 4 के बारे में भी पढ़ा था. इसके बारे में कंसीडर अ सिंगल मॉलिक्यूल कॉल्ड एज सेक्युलस. ये एक बड़ा सा लार्ज मॉलिक्यूल हमें नज़र आता है जिसको हम सेक्युलस बोलते हैं. अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें, ये किससे बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड चेन. पॉलीसेक्राइड चेन जैसे आपको पता है जिसमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड एटम, थाउजेंड ऑफ मोनोसेक्राइड जुड़े होते हैं. दिस इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड चेन बाउंड कोवेलेंटली टू द शॉर्टर चेन ऑफ अमाइनो एसिड. तो ये पॉलीसेक्राइड की जो चेन्स हैं, जैसे ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जुड़ी होती हैं स्मॉल चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. स्मॉल चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स आर अटैच विद द लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीसेक्राइड. आप यहाँ पे देख सकते हैं, देर आर फ्यू स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड वाइल देर आर लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स. सो ये जो स्ट्रक्चर बनती है, दिस इज नोन एज पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन. इसको पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन कहते हैं. ये भी बहुत अहम एमसीक्यू है. द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन. द आंसर इज पेप्टाइडोग्लाइकेन. बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है? दिस इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन. ठीक है जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके फंक्शंस की. बैक्टीरियल सेल वॉल के फंक्शन क्या हैं, क्या फ़ायदा होता है एक बैक्टीरिया को अगर उसके गिर्द सेल वॉल मौजूद हो. अगर बैक्टीरिया के गिर्द सेल वॉल मौजूद है तो उस वो उसकी सेल की शेप को डिटरमिन करती है, सेल को रिजिडिटी देती है, सख्ती फराहम करती है और एक प्रॉपर और डेफिनेट शेप देती है. इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस. अगर बैक्टीरियल सेल के अंदर वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है तो सम टाइम बैक्टीरियल सेल बस्ट कर जाता है. लेकिन वो सेल्स जिनके गिर्द सेल वॉल मौजूद हो उनमें ऑस्मोटिक लाइसिस नहीं होती ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. सो सेल वॉल प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस. इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस. ये बैक्टीरिया को फटने से बचाती है. इट बियर सम टॉक्सिक कंपोनेंट्स. इसके अंदर कुछ टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं. इट ऑल्सो प्ले रोल इन सेल डिवीजन. और ये सेल डिवीजन के अंदर अहम किरदार अदा करती है. दीज आर द फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल. सेल वॉल के क्या फंक्शंस हैं? ये बैक्टीरियल सेल को शेप देती है, ये बैक्टीरियल सेल को ऑस्मोटिक लाइसिस से प्रिवेंट करती है, टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर और सेल डिवीजन में हेल्प आउट करती है. दीज आर द फंक्शन. सेल वॉल एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरा आता है, लिहाजा आपने इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है. बैक्टीरिया को जब हम
देते हैं, डाई करते हैं, तो सेल वॉल की बेसिस पे बैक्टीरिया दो ग्रुप्स में हमने नज़र आते हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं. क्रिस्टीन ग्राम वॉज द पर्सन, इस इज द साइंटिस्ट हु डिवेलप दिस टेक्निक, जिसने ये टेक्निक डिवेलप की. और इसने जब बैक्टीरिया को कलर दिया तो बैक्टीरिया दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हो गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जब हम इनको कलर देते हैं तो इन पर पर्पल कलर आ जाता है, ठीक है. ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया उन पर पर्पल कलर आ जाते हैं, और ग्राम नेगेटिव वो बैक्टीरिया होते हैं जो पिंक कलर जिन पे आता है. दीज आर द टू ग्रुप्स ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेनिंग टेक्निक्स. ग्राम पॉजिटिव आर द बैक्टीरिया विच स्टेन पर्पल कलर एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच स्टेन पिंक कलर. अब इनकी क्या वजूहत हैं, पर्पल कलर क्यों आता है बैक्टीरिया पे और पिंक कलर क्यों आता है, आपको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ वीडियो. इस वीडियो में आपको बताया जाएगा डिटेल से कि ये जो डिफरेंस इन कलर है ये किस वजह से अपेयर हो रहा है. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि व्हाट आर द रीजंस. इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. इनका फ़र्क क्या होता है, बेसिक डिफरेंस इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन का होता है. सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकिन अगर बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद हो तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं, और जिनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकिन कम मकदार में मौजूद हो तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं. बेटा ये आपकी बुक में एक चार्ट गिवन है जिसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का डिफरेंस दिया गया है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन, और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तब आपको ये चार्ट लिखना होता है. इसमें बताया गया, इसको एक्सप्लेन करते हैं. नंबर ऑफ मेजर लेयर्स, अगर हम बात करें ग्राम पॉजिटिव के अंदर एक ही मोटी सी सेल वॉल होती है, और जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर जो है ये थिन लेयर होती है, ठीक है. ये इसके गिर्द एक सेल वॉल के गिर्द एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल वॉल की सेल मेम्ब्रेन की ही लेयर होती है. केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकिन की मकदार सबसे ज़्यादा मौजूद होती है. द
तकरीबन 50% पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में सुना था कि 30 लेयर्स पेप्टाइडोग्लाइकन की मौजूद होती हैं इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और इसके अलावा इसमें कुछ टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड्स भी मौजूद होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर लिपोपॉलीसेक्राइड, लिपोप्रोटीन, पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो बहुत कम मकदार में पाया जाता है और सिर्फ तकरीबन 10% होता है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन 50% होता है और ग्राम नेगेटिव के अंदर ओनली 10% होता है। ठीक है बेटा, ये केमिकल मेकअप का, केमिकल कंपोजिशन का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो यू हैव टू मेंशन द डिफरेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन इज 50% इन ग्राम पॉजिटिव एंड इट इज 10% इन ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव ऑल्सो हैव टिकोइक एसिड एंड लिपोटिकोइक एसिड, वाइल द ग्राम नेगेटिव हैव लिपोप्रोटीन, पेप्टाइडोग्लाइकन, लिपोपॉलीसेक्राइड्स यूनिट्स। अगर हम ओवरऑल थिकनेस की बात करें तो लिपिड जो हैं ग्राम पॉजिटिव के अंदर सिर्फ 1-4% होते हैं, जबकि लिपिड ग्राम नेगेटिव के अंदर 10-12% होते हैं। अगर हम थिकनेस की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव जो है बहुत मोटी और थिक लेयर होती है, 20-80 नैनोमीटर थिक होती है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ये 30 लेयर्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बहुत थिन लेयर होती है, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की सिर्फ एक लेयर होती है और इसकी थिकनेस तकरीबन 8 नैनोमीटर to 11 नैनोमीटर मैक्सिमम जाती है। ग्राम पॉजिटिव के गिर्द कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि ग्राम नेगेटिव के गिर्द एक एक्स्ट्रा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस इनमें मौजूद नहीं होती। पेरीप्लाज्मिक स्पेस का मतलब है कि इन लेयर्स के दरमियान में क्या स्पेस मौजूद है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के दरमियान में कोई स्पेस मौजूद होती है इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर ये स्पेस लाजमी मौजूद होती है। तमाम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव के अंदर कुछ के अंदर होती है, कुछ के अंदर पेरीप्लाज्मिक स्पेस नहीं होती। अगर हम परमीएबिलिटी की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर मोर परमीएबल वाइल द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर लेस परमीएबल। अब इसकी क्या वजह है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव के अंदर सिर्फ एक ही सेल मेम्ब्रेन की लेयर है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर दो सेल मेम्ब्रेन की लेयर है, एक सेल के वॉल के बाहर और एक सेल वॉल के अंदर, तो जिसकी वजह से ये ज़्यादा परमीएबल है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल दैट यू हैव टू लर्न बिकॉज ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने इसमें मैंशन करना है लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। अगर हम बात करें सेल वॉल ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया, दिस इज अदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आर्कियोबैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी है? आर्कियोबैक्टीरिया इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट आर एंशियंट बैक्टीरिया। ये एंशियंट बैक्टीरिया हैं, ओल्ड बैक्टीरिया हैं, और इनकी सेल वॉल जो है वो नॉर्मल बैक्टीरिया से फ़र्क होती है। क्या फ़र्क है कि इनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता। क्या फ़र्क है? आर्कियोबैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट है। देन व्हाट इट हैव प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड। देयर सेल वॉल, आर्कियोबैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड्स। और कुछ बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल बिल्कुल नहीं मौजूद होती, वो एब्सेंट होती हैं, एंड दैट ग्रुप इज द माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल नहीं होती। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ सेल वॉल। दिस इज एन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, दिस ऑल्सो कंटेन सम शॉर्ट क्वेश्चन। सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। आपने बेटा इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, सेल वॉल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम बाकी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।